मूवी के शुरू होते ही हम कुछ न्यूज हेडलाइंस देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि 1997 में वैलेंटाइन के दिन हारमोनी टाउन के कोल माइन में एक्सप्लोजन हो गया था, जिसका जिम्मेदार कोल माइन के ओनर का बेटा टॉम को माना जा रहा था, जिससे 6 लोग उस माइन के अंदर ही फंस गए थे। लेकिन उनमें से सिर्फ हैरी वार्डन नाम का आदमी ही बच पाया था, क्योंकि उसने खुद को जिंदा रखने के लिए बाकी 5 लोगों को मार दिया था ताकि उसके लिए इनफ ऑक्सीजन बच सके, जिससे हैरी वार्डन जिंदा तो बच गया था लेकिन वो कोमा में जा चुका था। आगे एक साल बाद हैरी अचानक कोमा से जाग जाता है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुका था और उन हत्याओं के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो उसे ही अपना नेचर मानकर पूरे हॉस्पिटल के लोगों को बड़े अजीब ढंग से मार देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और शेरिफ बर्क वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तब वो देखता है कि किलर ने एक पेशेंट की छाती चीरकर उसका दिल निकाला है और उसे एक चॉकलेट बॉक्स में रख दिया है। तभी उसे पता चल जाता है कि हैरी अब कोमा से जाग गया है और जो उसके सामने आ रहा है वो उसे मार रहा है। अब शेरिफ उसका पीछा करने के लिए उसी माइन में जाने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि कुछ टीनेजर्स उसी कोल माइन में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें टॉम, सेरा और उनके दोस्त एक्सल और एरिन भी थे। वो सभी माइन के अंदर जाने लगते हैं। तभी टॉम बियर लाने वापस अपने कार में जाता है और तब तक सारा माइन के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक लड़का उसे डराकर उसके साथ प्रैंक करता है और तभी पीछे से एक पिकेक्स आकर उसकी आंख बाहर निकालती है, जो हैरी वार्डन ने मारी थी। ये देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसकी नजर वहां पड़े बॉडीज पर पड़ती है, जिन्हें हैरी ने अपने पिकेक्स से मार दिया था। सारा उससे बचकर वहां से भागने लगती है। तभी उसके दोस्त जो कि वहीं छिपे थे वो सारा को भी छिपा लेते हैं। तभी एक लड़का वहां आ जाता है, इसलिए हैरी उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़कर अपनी पिकेक्स उसके मुंह में घुसाकर उसे भी मार देता है। तभी मौका देखकर ये तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हैरी उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला था कि तभी एक लड़की वहां आकर उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागकर अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक टॉम भी उस माइन में जा चुका था। तब हैरी एक पिकैक्स उनकी कार पर फेंकता है, जिससे एरिन बाल बाल बच जाती है। अब वो तीनों टॉम को वही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब टॉम अपनी जान बचाने के लिए माइन के अंदर भागने लगता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है, जिससे टॉम काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अब हैरी उसे मारने ही वाला था कि तभी शेरिफ वहां आकर हैरी को शूट कर देता है, जिससे हैरी घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है, इसलिए शेरिफ भी उसका पीछा करता है। अब सीन चेंज होकर 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक्सल अब इसी टाउन का शेरिफ बन गया है और उसने सारा से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है, लेकिन इसके बावजूद उसका अफेयर मेगन के साथ चल रहा है, जो कि सारा की ही दोस्त थी, लेकिन इसके बारे में सारा कुछ भी नहीं जानती थी। एक्सल और मेगन हमेशा उसके पुराने घर पर मिलते थे, जहाँ इस बार मेगन उसे वैलेंटाइन प्रेजेंट देकर उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर एलेक्स का मूड चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम टॉम को देखते हैं, जो कि उस हादसे के बाद यानी 10 साल बाद इस टाउन में आया था ताकि वो उसकी कोल माइन बेच सके। अब टॉम अपनी रात बिताने के लिए एक होटल में रूम लेता है, लेकिन उसी होटल में एरिन भी थी, जो एक ट्रक ड्राइवर फ्रैंक के साथ रुकी थी, जहाँ फ्रैंक चोरी से उनकी वीडियो बनाता है और काम होने पर वहां से निकलने लगता है। तब एरिन को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो एक गन लेकर उसके पीछे जाती है। तब तक फ्रैंक ट्रक का दरवाजा खोलता है और तभी अंदर से हैरी वार्डन अपनी पिकैक्स उसके सर में घुसा देता है, जिससे उसके हाथ में का कैमरा नीचे गिर जाता है। तभी एरिन वहां से भागकर अपने रूम में जाकर छिपती है और हैरी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उसी वक्त होटल की मैनेजर भी वहां आ जाती है। तब हैरी अपनी पिकैक्स उसके गर्दन में घुसाकर उसे सीलिंग से चिपका देता है। ये देखकर एरिन की चीख निकल जाती है, जिससे हैरी को पता चल जाता है कि वो पेड़ के नीचे छिपी है। तब एरिन उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हैरी उसके पेट में पिकैक्स घुसाकर उसे भी मार देता है। अब कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन करने एक्सेल वहां पहुंच जाता है और एरिन को मरा देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो देखता है कि एरिन की छाती को चीरकर उसका दिल निकाला हुआ है और उसे फ्रैंक के कैमरे में हैरी वार्डन भी दिख चुका था। आगे वो रिसेप्शन पर जाकर वहां का रजिस्टर चेक करता है तो उसे उसमें टॉम का नाम मिलता है, जिससे उसे टॉम पर शक होता है, क्योंकि 10 साल बाद उसके आते ही फिर से मर्डर्स होना शुरू हो गया था।
इधर हम टॉम को देखते हैं जो सारा के स्टोर पर जाकर उससे बात करता है और उसे देखकर सारा काफी हैरान होती है क्योंकि वो उस हादसे के बाद अचानक गायब हो गया था जिससे सबको लगा था कि वो मर गया। बातों बातों में टॉम उसे बता देता है कि वो कोल माइन बेचने वापिस आया है। तब सारा उसे माइन बेचने से मना कर देती है। अब रात को सारा घर जाकर टॉम की 10 साल पुरानी फोटो देखने लगती है। इधर एक्सल पुलिस स्टेशन में था जहां उसे उसके लिए एक पार्सल आता है जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि उसमें एक तिल है जो कि आयरन का ही था। अगली सुबह टॉम उसी कोल माइन पर जाता है जहां उसे उसके मैनेजर बेन से मिलना था, इसलिए वो एक माइनर के साथ कोल माइन के अंदर जाता है और उसके वहां पहुंचते ही हैरी वार्डन भी वहां आ जाता है। वो टॉम को एक पिंजरे में बंद करके उस माइनर के पास जाता है और उस पर हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। तभी बाकी वर्कर्स भी वहां पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वहां टॉम के अलावा कोई नहीं दिखता, इसलिए वो उसे पिंजरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज देते हैं जहां उसकी मुलाकात सारा से होती है। वो उसे बताता है कि हैरी वार्डन अब वापिस आ चुका है और उसने उसके सामने एक माइनर को मार दिया। तब एक्सेल भी वहां आ जाता है और उसे बोलता है कि जब से वो इस टाउन में आया है तभी से लोग मरने लगे हैं और वो उसे ये भी बोलता है कि शेरिफ बर्ग ने खुद हैरी को मारकर दफना दिया था, इसलिए उसका वापस आना नामुमकिन है। अब रात को टॉम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस माइन पर जाता है जहां जंगल में उसे एक हेलमेट की लाइट नजर आती है, इसलिए वो उस लाइट का पीछा करता है। तब वो एक्सेल के पुराने घर तक पहुंच जाता है। इधर बेन अपने घर में एक गन लेकर बैठा था, तभी बाहर से उसे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो डर कर चेक करने जाता है। तब उसे वहां कोई भी नहीं मिलता, इसलिए खुश होकर वो अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से हैरी उस पर हमला करता है और उसे भी बड़े अजीब ढंग से मार देता है। अगले दिन एक्सेल को बेन की बॉडी जंगल में मिलती है और उसका भी दिल गायब था, इसलिए एक्सेल अब काफी परेशान हो जाता है और अपने घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देता है। इधर सारा और मेगन स्टोर बंद कर रहे थे, तभी वहां पर हैरी आ जाता है, इसलिए वो दोनों डर कर भागने लगते हैं और एक रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इसलिए हैरी उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तब मेगन खिड़की खोलकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी हैरी का दरवाजा तोड़ना बंद हो जाता है, इसलिए सारा को कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन तब तक हैरी बाहर से आकर मेगन को खींच लेता है। अब सारा डर कर वहां से भी भागने लगती है, तभी सामने से एक्सेल आकर उसे बचा लेता है। अब वो दोनों स्टोर के पीछे जाकर देखते हैं, तब उन्हें वहां मेगन की बॉडी मिलती है जिसमें उसका दिल भी बाहर निकालकर एक चॉकलेट बॉक्स में रखा था और पास वाले दीवार पर खून से लिखा था बी माइन फॉर एवर। अगले सीन में हम देखते हैं सारा के घर को जहां उसका बेटा और उसकी मेड घर में थे और बाहर डेप्यूटी फेरिस ड्यूटी दे रही थी। तभी बर्क फेरिस के पास आकर बोलता है कि अंदर हैरी है, इसलिए वो दोनों घर के अंदर जाकर चेक करने लगते है। तब फेरिस को ऊपर से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो वहां जाकर देखती है तो उसे वॉशिंग मशीन में मेड की लाश मिलती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। इसलिए बर्क घबरा कर ऊपर देखता है, तभी हैरी अपना पिकेक्स उसकी गर्दन में घुसा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सारा को जहां उसे टॉम का कॉल आता है और वो उसे उसके पति के बारे में कुछ दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसी वक्त सारा को मिलने को कहता है जिस पर सारा उसके साथ चली जाती है। तभी कुछ देर बाद एक्सेल उसे कॉल करता है जिस पर उसे पता चल जाता है कि वो टॉम के साथ है, इसलिए वो उसे बोलता है कि उसे टॉम की कार से निकलना होगा क्योंकि टॉम पिछले 7 सालों से पागलखाने में एडमिट था और वो सब मर्डर्स उसी ने किए हैं। अब सारा थोड़ी परेशान हो जाती है और वो टॉम को ऐसा दिखाती है कि वो उसकी मॉम से बात कर रही है, लेकिन टॉम उसे बोलता है कि उसे एक्सेल की सच्चाई पता चल गई है और इसीलिए वो सारा को उसके खिलाफ भड़का रहा है। अब सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, इसलिए वो कार के स्टेयरिंग को घुमा देती है जिससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। अब वो जल्दी से कार से निकलकर वहां से भागने लगती है और आगे जाकर एक्सेल को कॉल करती है जिस पर एक्सेल उसे उसके पुराने घर पर छिपने को कहता है, इसलिए सारा उस घर तक पहुंच जाती है जहां उसे एक चॉकलेट बॉक्स और मेगन का कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था बी माइन फॉर एवर और इसी के साथ उसे वहां टॉम की वही फोटो मिलती है जो वो उस दिन देख रही थी। इसलिए अब उसे एक्सेल पर भी शक होता है और वो अपने बचाव के लिए कोई हथियार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कबर्ड में काफी सारे चॉकलेट बॉक्स मिलते हैं जिन्हें हैरी मर्डर के बाद इस्तेमाल करता था। अब उसे यकीन हो जाता है कि एक्सेल ही किलर है,
तभी उसके पीछे से हैरी आता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर उसी कोल माइन में पहुंच जाती है, जिसके बाद एक्सेल भी वहां पहुंच जाता है और सैरा उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे सच्चाई पूछने लगती है। तभी टॉम भी वहां आ जाता है, लेकिन सैरा अब उस पर भी यकीन नहीं करती। तब टॉम और एक्सेल एक दूसरे को किलर बताते हैं, जिस पर सैरा काफी कंफ्यूज होती है। तब एक्सेल सैरा को बोलता है कि उसे दोनों को भी शूट कर देना चाहिए, जिस पर टॉम बोलता है कि तुम्हें दोनों को शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेगन की बॉडी के पास भी वही लिखा था जो उस कार्ड पर लिखा था जो मेगन ने एक्सेल को दिया था, यानी एक्सेल ही किलर है। जिस पर सैरा उसे बोलती है कि मेगन मर गई है, ये बात तुम्हें कैसे पता, क्योंकि सैरा ने तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी टॉम बोलता है कि पीछे से हैरी आ रहा है और वो बहुत पैनिक होने लगता है, लेकिन यहाँ पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि हैरी सिर्फ उसे ही दिख रहा था, यानी 10 साल पहले घटी घटना के कारण टॉम पूरी तरह से पागल हो गया था और वो ही हैरी बनकर सारे मर्डर्स कर रहा था। तब एक्सेल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसके पेट में पिकैक्स घुसाकर उसे जख्मी कर देता है और सैरा टॉम को शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब सैरा और एक्सेल माइन से निकलने लगते है, तभी सामने से टॉम हैरी की स्टाइल में आकर सारे बल्ब तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तब सैरा उस पर गोली चला देती है और वो गोली उसके पेट से होते हुए एक सिलेंडर पर जाकर लगती है, जिससे एक ब्लास्ट होकर टॉम उसके अंदर धस जाता है। कुछ देर बाद वहां बचाव दल आता है और सैरा और एक्सेल को वहां से बाहर निकाल लेता है। वो कहते हैं कि टॉम मर चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉम अंदर बचाव दल के एक मेंबर को अपने पिकैक्स से मार देता है और उसी के कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल जाता है, और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।